अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम जो असेंबली में हमारे मटेरियल होते हैं, ये कॉरिडोर स्ट्रक्चर मटेरियल होते हैं, इनकी हम वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये असेंबली है, व्यू में नज़र आ रही है। यहाँ पे कॉरिडोर है और यहाँ पे इसका सेक्शन व्यू जो कट किया हुआ है और जिसमें हमने सर्फेस बनाई थी, इसी में आज हम इसकी मटेरियल कैलकुलेशन जो है वो देखेंगे ड्यूल कैरेजवे के लिए। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल लाइन को क्लिक किया है और यहाँ पे ऐड मटेरियल की मेरे पास ऑप्शन है। मैं यहाँ पे मटेरियल नेम असाइन करता हूँ। मेरे पास एस्फाल्टिक वेयरिंग कोर्स है फर्स्ट मटेरियल और इसको मैं AWC का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्ट्रक्चर कैटेगरी में कैलकुलेट करूँगा। इसके लिए मुझे कॉरिडोर शेप्स की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर देखें तो कॉरिडोर शेप में हमारे पास एस्फाल्टिक वेयरिंग कोर्स के नाम से कॉरिडोर शेप है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे नीचे है। तो दोनों में क्या फ़र्क है देखते हैं हम लोग। पहले मैं इसको ऐड करता हूँ, ओके अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये मटेरियल जो है वो असाइन हो गया है। राइट साइड में फुल लेंथ में, फुल विड्थ में ये हुआ है, जबकि यहाँ पे ये सिर्फ शोल्डर में हुआ है, कैरिज वे में नहीं हुआ है। तो कैरिज वे की जो असम्बली है, ठीक है, उसका कोड मैंने चेंज किया था सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐड करता हूँ और यहाँ से मैं इसके मटेरियल का जो है स्टाइल चेंज कर देता हूँ, ओके, और मैं इसको अप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जैसे हमारे कॉरिडोर में था ऐसे ही यहाँ पे ये असाइन होके आ गया है। अभी हमने इसमें नेक्स्ट मटेरियल ऐड करना है। नेक्स्ट हमारा एस्फाल्टिक बेस कोर्स है, ABC के नाम से है और ये भी स्ट्रक्चर मटेरियल है। यहाँ पे कॉरिडोर शेप पर सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे आपने जो है आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको असाइन करना है स्टाइल, ओके अप्लाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉरिडोर शेप में ये आ गया है। अभी नेक्स्ट हमारा मटेरियल जो है वो एग्रीगेट बेस कोर्स है। मैं इसको एग्रीगेट बेस कोर्स लिखता हूँ, ओके। ये भी हमारा स्ट्रक्चर मटेरियल है। यहाँ पे मैंने जो इसका स्टाइल असाइन किया, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये मटेरियल है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमारा एग्रीगेट बेस कोर्स था वो यहाँ पे असाइन होके आ गया है। आप यहाँ पे असेंबली में भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो स्काई ब्लू कलर है, ओके, ये यहाँ पे भी ये आ गया है। अभी नेक्स्ट हमारा जो है वो GSB है, ओके, स्ट्रक्चर मटेरियल है। इसके लिए जो हमारे पास कोड है वो सब बेस है, ओके, इसको मैं साइन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये जो इसका कॉरिडोर शेप है, मैं इसको ऐड करके अप्लाई करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा GSB का मटेरियल है वो भी कैलकुलेट हो गया है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट मटेरियल है वो वर्ज का है, ओके। यहाँ पे इसका जो स्टाइल है मैं वो साइन करता हूँ इसको, ओके ओके। और यहाँ पे मैं इसकी जो कॉरिडोर शेप है उसको सेलेक्ट करके मैं जस्ट इसको अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे जो स्ट्रक्चर मटेरियल से वो सारे कैलकुलेट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो है सारे मटेरियल वन बाय वन हमने कैलकुलेट करके देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये अर्थवर्क का मटेरियल और मीडियम का मटेरियल जो है वो कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।